दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है, एक्चुअली में क्या अंतर होता है और कैसे ये काम करता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या ये सब टॉपिक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, एटीएम कार्ड जो होता है आप सिर्फ एटीएम से ही पैसे निकाल सकते हैं। आप कहेंगे, आप भैया तो हम सभी जगह पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन भी खरीदारी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, फोन पे भी हम यूज करते हैं इसे। तो भैया मैं आपको बता दूँ, जानकारी के तहत अगर एटीएम कार्ड पर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर रुपये कार्ड, मास्टर कार्ड, अगर वीजा लिखा हुआ है तो ये आपका डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड नहीं होता है। एटीएम कार्ड वही होता है, इसमें जो है कोई भी प्रकार का आपका लोगो नहीं रहता, नहीं एटीएम कार्ड में जो है नहीं रुपये कार्ड, नहीं वीजा कार्ड, नहीं मास्टर कार्ड का लोगो रहता है, सिर्फ वहाँ पे एटीएम दर्शाया रहता है और एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर जो भी रहता है उसमें डिटेल वहाँ पे इंटर किया रहता है। लेकिन अगर आपका जो वही एटीएम कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा हुआ है, वीजा कार्ड लिखा हुआ है, रुपये कार्ड लिखा हुआ है, तो आपका जो है वह डेबिट कार्ड बन जाता है। तो डेबिट कार्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे शॉप, दुकानदार, पेट्रोल पंप, ऑनलाइन खरीदारी, आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, तो आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया डेबिट कार्ड, यानी कि आपके अकाउंट से लिंक होता है, आपके खाते से लिंक होता है, जो आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है आप उसी को यूज करते हैं, आप उसी को कहते हैं डेबिट कार्ड। सपोज दैट, मान के चलिए आपके खाते में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो अगर आप उससे 10,000 रुपया निकालते हैं, यानी कि आपके खाते से डेबिट हो गया रुपया, यानी कि कट गया, जो आप जिस भी सामान को लिए हैं उस सामान को जितना भी कीमत है, 10,000 रुपया कीमत है, आपके खाते में 50,000 रुपया है, तो आपने 10,000 रुपया खर्चा किए, तो आपके खाते से डेबिट हो चुका है, यानी कि कट गया है, तो उसी को कहते हैं डेबिट। ये आपके अकाउंट से लिंक रहता है डेबिट कार्ड, जो कि एटीएम कार्ड के ही तरह होता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, लोगो बना हुआ रहता है, मास्टर, वीजा कार्ड, रुपये कार्ड, लेकिन एटीएम में ऐसा कोई भी नहीं रहता है। तो यही बेसिकली फ़र्क है। तो आप इसे अपना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है वही आप खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह हुआ, जैसे कि आप बैंक से लोन लिए, यानी कि क्रेडिट आप लिए हैं, तो उसी तरीके से एक क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे कि आज 12 तारीख है, तो 15 तारीख को आपका कहीं से भी पेमेंट आने वाला है, जो आप जो भी काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आपको 13 तारीख को ही वो पैसा का जरूरी पड़ गया, 10,000 5,000, तो अगर आप कहीं पे जाएंगे, अगर कोई भी आपको पैसा नहीं देता है, अच्छा पैसा, हमारे इधर तो अच्छा पैसा चलते हैं या नहीं तो सूद ब्याज चलते हैं, तो आपके इधर क्या चलते हैं वो आप बताइएगा। तो ऐसे में आपका क्रेडिट कार्ड बहुत काम आ सकता है, जी हाँ। तो वो जो है आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं, और वही जो जब आपका पैसा आ जाए 15 तारीख को, तो आप 15 या 20 तारीख को आप जमा कर दीजिए, इसमें आपको बैंक जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, बिल्कुल आप जो है फ्री, जितना भी आप रुपया लिए हैं उतना आप उसे बैंक को दे दीजिए, और आपका जो है यहाँ पे झंझट समाप्त, और आपका काम का काम भी हो गया, और आपका काम भी नहीं रुका। ये क्रेडिट कार्ड जो है आपके अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, इसको अकाउंट से कोई भी लिंक क्रेडिट कार्ड नहीं रहता है। आप किसी भी बैंक से इसे बनवा सकते हैं, SBI, HDFC, ICICI, IDBI बैंक, जो भी जितने भी बैंक मार्केट में चल रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप सभी बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो अच्छे से बना दूंगा, आप उसे उस वीडियो को देख के जो है सीख सकते हैं कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनवाया जाता है। क्रेडिट कार्ड में जो होता है आप अपने अकाउंट का पैसा खर्च नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड में जो आप बैंक का पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लिए, तो आप जैसे कि मान चलिए आज 12 तारीख है, 12 जनवरी है, 2021 है, तो आप जो है आज जो है 10,000 रुपया खर्चा कर दिए, तो ये 10,000 12 तारीख के बाद जो 13 तारीख आएगा उससे जो 40 से 45 दिन है, और इतना दिन तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप इससे बाहर जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट और भी अगर वगैरह चार्ज आपको जोड़ के लिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है ये 15-20 दिन में अगर पैसा कहीं से आ जाता है, तो अगर 15-20 दिन अगर 15-20 दिन कोई हेल्प कर दे, तो आप ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर आपके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज होता है, इस तरीके से आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आपको क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से पैसे नहीं निकालना है, कैश विड्रॉल नहीं करना। अगर हो, बाय चांस हो गया, कभी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर यूज नहीं करना है। आप शॉपिंग, पेट्रोल पंप, ऑनलाइन खरीदारी आप जितना कर सकते हैं इससे कीजिए, और इसमें आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलेगा।
तो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड जो है काम करता है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। क्रेडिट कार्ड में जो है आप बैंक का पैसा खर्च करेंगे, डेबिट कार्ड में जो आप अपना खाता का पैसा खर्च करेंगे, और एटीएम कार्ड से जो है आप अपने खाते से भी पैसा खर्च करेंगे। तो इस चीज़ को समझ गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर इस जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।